आज दिनांक 22 मार्च 2024 के शुक्रवार के दिन अकोड़ीगोला में बिहार के पूर्व मानव संसाधन और विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुमार सिंह उर्फ उपेंद्र कुशवाहा ने दौरा किया। जैसा कि चुनाव नज़दीक है तो सभी नेताओं में दौरा का खुजली होना तो स्वाभाविक है। उपेंद्र सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें लोग उपेंद्र कुशवाहा के नाम से भी जानते हैं, जो बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं। कुशवाहा बिहार के रोहतास जिला के काराकाट निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद और राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी हैं। वो राष्ट्रीय समता पार्टी के नेता थे जिसका 2009 में जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। बाद में इन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया और इसका भी जेडीयू में विलय हो गया। 20 फरवरी 2023 को कुशवाहा ने जेडीयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ अपनी राजनीतिक समस्याओं के कारण राष्ट्रीय लोक मोर्चा नामक अपनी पार्टी बनाई। वहीं दूसरी तरफ काराकाट से ही एक नया चेहरा राजनीतिक में पदार्पण कर रहा है जिसका नाम है किरण प्रभाकर। वो भी काफ़ी कुशाग्र और काफ़ी शिक्षित महिला है। अब देखते हैं जनता किसको चुनती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद, पूर्व मंत्री रहने के बावजूद भी इन्हें इतना समझ नहीं है कि शहर के या बाज़ार के चौराहे पर ही मीटिंग लगाना क्या ज़रूरी था। देखिए इनकी वजह से कितनी ट्रैफिक जाम हो गई है। इधर चारों तरफ की गाड़ियां जहां तहां रुकी हुई है और ट्रैफिक काफ़ी लंबा हो चुका है। और अगर इन्हें ये स्वागतम कार्यक्रम करना ही था तो किसी मैदान में कर सकते थे, जो प्रेमनगर की काफ़ी बड़ी मैदान है वहाँ पर भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जानबूझकर चौराहे पर ही ये अपना प्रोग्राम फिक्स किया ताकि लोगों को पता चले कि ट्रैफिक क्यों जाम है और कौन आया है। तो ये इनकी मनोभावना जो है, ये जनता, भोली जनता समझ नहीं पाती है और उनके पीछे उनकी जय जयकार करती रहती है। तो ट्रैफिक जाम है। नेताजी के साथ ही 25-30 गाड़ियां आई हुई हैं, फोर व्हीलर, जो गलियों में खड़ा कर दी गई है। और दोनों तरफ, चारों तरफ से जिधर भी रोड है, चारों तरफ के ट्रैफिक पूरी जाम है लंबी दूरी तक। अगर यही ट्रैफिक जाम आम पब्लिक की वजह से हुई होती तो पुलिस वाले डंडा निकाल कर उनके पिछवाड़े पर दे मारते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोज़ देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।